फतेहगढ़ साहिब थाना SHO गोपनीय सूचना मिलने पर मनप्रीत सिंह मयूर व पालम होटल के प्रबंधकों के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और मामला दर्ज कर लिया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए DSP सुखवीर सिंह ने कहा कि इंस्पेक्टर मनप्रीत सिंह को गुप्त और पक्की जानकारी मिली थी कि सरहिंद, चंडीगढ़, संजू और सागर में 2 होटलों के प्रबंधक संजय कुमार ने कथित तौर पर गलत कारोबार में लिप्त एक महिला के साथ कथित बड़ी कमाई ग्राहकों को वितरित की, जो कथित तौर पर कभी कभी ब्लैकमेल करते थे और पुरुषों को आमंत्रित करते थे और बाहर से महिलाएं, जिनके बाद अमर अधिनियम 1956 की धारा 3, 4, 5, 6 के तहत संजय कुमार और संजू सागर और एक महिला रानी के खिलाफ फतेहगढ़ साहिब थाने में मुकदमा दर्ज कर होटल में छापा मारा। मानयोग SSP फतेहगढ़ साहब डॉक्टर रवजोत गरेवाल के दिशा निर्देशों अनुसार माड़े अफसरों विरुद्ध छेड़ी मुहिम उस समय तगड़ा हुंगारा मिलिया जदों मुखबर खास ने SHO इंस्पैक्टर मनप्रीत को इतलाह दी कि होटल पाम अते होटल म्यूर के गैर कानूनी औरतों का धंधा चलता तो जिस विच ये मोटी कमाई कर रहे जिस संबंधी मुकदमा नंबर 152 मिती 29/8/2022 अधीन धारा 3, 4, 5, 6 इमोरल एक्ट 1956 थाना फतेहगढ़ साहब दर्ज करके जदों रेड की गई तो उस समय सागर संजय कुमार उर्फ संजू नाम के मैनेजर जस्सी नाम की नाम की औरत नूं औरत के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया अते उस जो रेड की गई तो उतो संजय कुमार अते सागर पुत्र कुशल अते इन्हां दे नाल तीसरे व्यक्ति दीपक कुमार नूं गिरफ्तार किया गया जिन्हां नूं बल्कि गिरफ्तार करके इन्हां नूं पेश अदालत किया गया अते एक दिन का पुलिस रिमांड मिलिया जिन्हां पासों पुछगिछ कर अगे पुछगिछ करके होर बरीकी नाल तफ्तीश करके जो भी कोई गल सामने आती है उस मुताब अगली कार्रवाई अमल में लिया जाए। कोई पैसे वगैरह भी रिकवर हुए नहीं तो इस संबंधी जांच कुछ पैसे बरामद हुए कुछ जांच पड़ताल कर रहे हैं जो भी अगली गल सामने आई उस मुताबिक अगली कार्रवाई अमल में लिया। टोटल कितने बंदे पकड़े गए जी? इस विच तीन बंदे फड़े गए। ठीक है जी, तो कितने के देर तो यह काम कर रहे हैं जी? इस बारे पड़ताल कर रहे हैं जिहड़ी भी गल सामने आई उस मुताबिक अगली कार्रवाई अमल में लिया जाए। बाकी मैं सारे फतेहगढ़ साहब के ते सरहंद के जिन्हें भी होटल मालक उन्होंने भी ये बेनती करनी चाहूँगा कि अगे तो कोई भी व्यक्ति जेकर किसी को कमरा दिता तो उसका ID प्रूफ हर हालत में लिया जाए, उसकी उम्र को तस्दीक किया जाए और कोई भी गैर कानूनी धंधा ना होटलों में चलाया जाए। तो मैं उम्मीद करना कि सारे होटल मालक इस गल पर अमल करेंगे।